हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 6। कल हमने जो लेसन किया था उसी लेसन को थोड़ा सा मैं आज भी समराइज कर रहा हूँ। लेसन क्या था कि अपने कंट्री के अंदर जब से पहली बार यहाँ लोग सेटल हुए हैं तभी से ये रिलीजन ट्रेडिशन जो है, धर्म के नाम पे जो परंपरा है, जो प्रैक्टिस है, ये उसी टाइम से चली आ रही है। हमने कल टॉपिक किया था ए मोजेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस। तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी क्या पाते हैं, हम ऐसे गॉड और गोडस की स्कल्पचर पाते हैं जो उस टाइम के लोग भी रिलीजियस प्रैक्टिस और बिलीफ्स करते थे। उसके बाद हम वैदिक जो पीरियड आता है, वैदिक पीरियड में भी हमें वेदों में मिलते हैं हमारे कुछ मेन गॉड्स कौन, अग्नि, सोम, इंद्रा। इसके बाद पुराणों में भी हमें ऐसे गॉड और गॉडस के नेम पाते हैं जिनकी वर्शिप बाद में चलती रही। इसके बाद अपने कंट्री में हिंदू रिलीजन आता है। हिंदू रिलीजन में के टेंपल यहाँ पर बनते हैं। हिंदू रिलीजन में यहाँ पर विष्णु और शिवा की जो वर्शिप होती है। उसके बाद इन सब से पहले एक ट्रेडिशन अपने यहाँ पर जैन और बुद्धिस्ट भी चलती है। तो ये रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिस टाइम के अकॉर्डिंग चलती रहती हैं। इनमें कुछ गॉड और गॉडस जो हैं वो साइलेंट हो गए, जैसे इंद्रा, सोम, अग्नि, और कुछ ऐसे गॉड गॉडस जो आगे निकल गए। उसी जोना सीरीज में आज अपना सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, पोइम ऑफ प्रेयर अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। हमें सूफी के बारे में अभी नहीं कुछ पढ़ना है, सूफी को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम भक्ति ट्रेडिशन जो इंडिया के अंदर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अपने इंडिया में 8th और 18th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे ऐसे संत पोइट हुए हैं जो जिसके आसपास उनके डिवोटीज की एक कम्युनिटी बन गई। क्या बन गई? एक कम्युनिटी बन गई। इतने ज़्यादा वो पॉपुलर हो गए, वो एक तरह से पोइट लीडर बन गए। यहाँ बहुत सी ट्रेडिशन में हमें देखने को मिलता कि ब्राह्मणों ने इंटरमीडिएट्स का रोल प्ले किया है, किसके बीच में, गॉड और डिवोटीज के बीच में। यहाँ पर जो है ना ब्राह्मणों ने 8th और 18th सेंचुरी के बीच में जो छोटी जाति के लोग हैं उनको और वुमेन्स को भी जो है ना इसको इनेबल किया है, उनको भी इस ट्रेडिशन में जोड़ने का काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि एक यूनिटी, एक यूनिफिकेशन सोसाइटी के अंदर उस टाइम लाने का काम पंडितों ने, ब्राह्मणों ने किया है। दूसरी तरफ हम देखें तो कुछ रिलीजन से रिलेट जो हिस्टोरियन थे, इस ट्रेडिशन को उन्होंने मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक सगुणा विद ट्रिब्यूट्स, दूसरा निगुणा विदाउट ट्रिब्यूट्स। हम यहाँ पर देखते हैं सगुना के अंदर क्या देखते हैं कि अपने कंट्री के अंदर 8th और 18th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे ऐसे गॉड गॉडस जिसमें हम मेनली विष्णु, शिवा और गॉडस जो हैं उनकी आइडल, उनकी जो है ना स्केल्पचर जो है ना वुड और स्टोन की बना करके यहाँ पर उनकी जो है ना वर्शिप की जाती है। कौन सी ट्रेडिशन में? सगुना में। और निगुना के अंदर क्या है? निगुना के अंदर जो है ना सामने जो है ना कोई स्केल्पचर या फिर जो ना आइडल नहीं होती, एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, यानी गॉड का कोई रूप नहीं है बल्कि जो है ना आंखें बंद करके अपने सुप्रीमियर गॉड के बारे में सोचना निर्गुना है। तो ये ट्रेडिशन भी साथ साथ यहाँ पर चल रही थी। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, द अलवार एंड नेनार्स ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर ये जो है ना परंपरा चलती है। तमिलनाडु अपने कंट्री के साउथ ईस्ट, हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट में है। यहाँ पर ये दो जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं अलवार और नेनार,
जो 6th सेंचुरी के अंदर ये ट्रेडिशन अमर जो ही थी, अलवार जो हैं वो पीपल हैं, वो लोग हैं जो विष्णु को अपना गॉड मानते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। नैनाक वो ट्रेडिशन है जो विष्णु को, सॉरी शिवा को अपना जो है ना गॉड मानते हैं और उनकी वर्शिप करते हैं। ये लोग 6th सेंचुरी AD के आसपास तमिलनाडु के अंदर जो है ना रोम घूमते रहते थे, और जब जहाँ भी इनका मन करता था वो रुक जाते थे। वहाँ रुकने के बाद ये किसी भी जगह को कोई श्राइन प्लेस जो बना लेते थे, वो श्राइन प्लेस बाद में वहाँ पर टेम्पल बन जाता था और वो एक सेक्रेट पैलेस प्लेस जो है ना बन जाता था। तो ये इस तरह अपने अपने इन भक्त अपने इन गॉड के उस गॉड के लिए नैनाक और अलवार अपने गॉड के लिए जो है ना हिम्स मंत्राज जो है ना मंत्र को पढ़ते थे और सिंगिंग हिम मंत्रों को गाया जाता था, उनकी प्रेज की जाती थी, उनकी वर्शिप की जाती थी। तो अलवार और नैनाक कौन से स्टेट से रिलेट हैं? ये इंडिया के साउथ, बिल्कुल साउथ ईस्ट में तमिलनाडु में ये लोग थे। कौन सी सेंचुरी में? 6th सेंचुरी में ये लोग जो है ना कभी एक जगह नहीं रुकते थे, ये जाते चलते रहते थे और चलते चलते जो है ना अपनी गीत अपने सिंगिंग जो है ना वो गाते रहते थे। किसकी प्रेज में? अपने गॉड शिवा और विष्णु की प्रेज में प्रेज करते थे। शिवा को मानने वाले कौन हैं? नैनाक हैं, अलवार जो है ना वो विष्णु को मानने वाले हैं। ये लोग जहाँ भी जिस जगह रुक जाते थे वो श्राइन प्लेस बन जाता था और वो सेक्रेट प्लेस बन जाता था, वहाँ टेंपल बन जाते थे, वहाँ पर अपने गॉड की जो है ना आइडल्स और स्कल्पचर आइडल जो ना लगाते थे, इमेज लगाते थे, स्कल्पचर लगाते थे। उसकी फिर जो ना वो स्कल्पचर जो ना किस की चीज़ की बनी होती थी, वो वुड की भी हो सकती है, वो स्टोन की भी हो सकती है, उसकी जो ना वर्शिप करते हैं। ये ट्रेडिशन तमिलनाडु में 6th सेंचुरी AD में जो ना अमर्ज हुई थी। नेक्स्ट, एटीट्यूड्स टूवर्ड कास्ट। यहाँ हम क्या देखेंगे? जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ हिस्टोरियन का ये मानना है कि अलवार और नैनाक जो संत थे ना वो जाति प्रथा यानी कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे, और उन्होंने हमेशा ही ब्राह्मण जो डोमिनेट कर रहे थे सोसाइटी के ऊपर उनके अगेंस्ट थे। यहाँ पर ये बात बिल्कुल ट्रू लगती है कि बहुत सारे जो संत थे, जो संत पोइट संत थे, वो मोस्टली ब्राह्मण भी थे, उनके साथ साथ पीजेंट भी थे और उनके साथ साथ आर्टिसंस भी थे। तो ये इसके साथ साथ आउटकास्ट से भी रिलेट थे, जिनको अनटचेबिलिटी में काउंट करते हैं। नैनाक और अलवार संत सभी जातियों से थे, ये जाति ये कास्ट सिस्टम में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा हिस्टोरियन लिखते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल ट्रू लगती है। अलवार और नैनाक जो संत थे उन लोगों ने अपनी जो है ना अपनी टेक्स्ट लिखी, इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या कंपोजिशन किया, किस चीज़ का एक टेक्स्ट बनाई इन्होंने, कौन सी टेक्स्ट? अलवार लोगों का वहाँ पर एक जो उन्होंने टेक्स्ट की जो रचना की है वो जो टेक्स्ट है वो है नलियार दिव्य प्रबंधनम, जो वेदों के समान ग्रेट बताई गई है। वेद कौन से हैं? जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेदा, जो वैदिक पीरियड में मीन 1500 BC to 1500 BC के बीच में लिखे गए हैं। इन जो ब्राह्मणों द्वारा चेरिश्ड हैं, यानी ब्राह्मणों ने इनको पोषित किया था, इन वेदों को बहुत ग्रेट जो है ना माना जाता है, बुक मानी जाती है। इनके ही लेवल के, इनके ही बराबर जो है ना अलवार्स ने अपनी एक टेक्स्ट लिखी है, उसको कंपोज किया है। उस टेक्स्ट का जो नाम है वो नलियार दिव्य प्रबंधनम है, जो तमिलनाडु में कंपोज की गई है। यहाँ पर ऐसे ऐसे संत पोइट भी हुए हैं जो खुद जो है ना क्या है, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण होकर के भी वो लोग जो है ना कास्ट सिस्टम के जो है ना अगेंस्ट बोल रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं चतुर्वेदी हूँ, चार वेदों का ज्ञाता हूँ, पर मैं एक ऐसा स्ट्रेंज केस हूँ जो अपने गॉड को जो है ना
अपने गॉड को जो एलिजेंसी मैंने दिखानी चाहिए वो मैं नहीं दिखा रहा। और यहाँ पर वो जो है ना अपने गॉड विष्णु को किस तरह एक जो सर्वे जो नीची जाति के जो लोग जिसको हम बोल सकते हैं आउट, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये लोग वो हैं जो आउटकास्ट आते हैं, उनके बारे में जो है ये ही ब्राह्मण ये ही चतुर्वेदी क्या कहता है कि ये वो सर्वेंट हैं कि विष्णु गॉड आपके फीट को जो है ना लव करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पोइट संत हैं वो सभी के सभी कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, उनका एटीट्यूड जो है ना वो कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो आज हमने केवल दो पॉइंट किए हैं। पहला पॉइंट है द अलवार एंड नैनार, किस कौन से स्टेट में, तमिलनाडु में, एटीट्यूड्स टूवर्ड कास्ट। तो इनका जो एटीट्यूड है कास्ट के साथ वो कैसा है, ये कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस टाइम अलवार ने जो बुक लिखी है, जो टेक्स्ट लिखा है, जिसको कंपोज किया गया है, वो बुक कौन सी है, नलियार दिव्य प्रबंधम, किसकी है, अलवार की। अगले इसी मेन पॉइंट के पॉइंट पॉइंट ऑफ प्रेयर इसके 2.3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू, ओके।